हमने तो फिल्मों में सुना है कि लड़कियों के लिए गुलाबी रंग मनपसंद बताया गया है, क्या पता उन्होंने भी इसीलिए गुलाबी कर दिया हो फोटो का रंग। लेडी साइकिल देखो, उसको भी उसका भी पिंक मिलता, फोटो भी पिंक निकल गई। नौ बजे दूसरी गाड़ी आती है, वहाँ लगातार सुबह सुबह मेडिकल के लिए ज़्यादा सवारी निकलती है, तो मेडिकल के चक्कर लगाती हूँ सुबह सुबह। सवारियों को लेके एक आधी बार तक बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, एक आधी बार बोलते बोलते लेडीज सुनाइए नहीं करती, भाग काली ऑटो में बैठ जाए लेडीज जान, कोई मतलब ना है कि हमारे खातिर चलाई थी, वो तो हमारे मुंह पर बोलते हैं चलानी ना थी, चुप्पे कहते हैं कितने टांग तोड़ दे, कितना मार दे, कितना कितना इतना ट्रेन नहीं आती, ट्रेन का वेट करते करके आपस में बातें करने लग जाती हैं, दो चार जनी इकट्ठा होकर सब आप अपने घर की जिसके भी साथ जो कुछ चल रहा है। बीस बाईस लेडीज हैं इकट्ठे रहते हैं, हम कोई भी काम हो इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे की सवारी भी बिठा देते हैं, और कोई फालतू बकवास करता है तो उसको मिल कर धमका भी देते हैं, साथ देते हैं आपस में पूरा। सेफ्टी का तो नाम नाम है, कोई सेफ्टी ना, अपने खुद की सेफ्टी है। ये कई दिन पहले मैंने पोस्ट स्टेशन का प्रधान है जो उसका लगाए, हम खड़े थे ढाई घंटे हो गए थे मैंने खड़ी ना, जिस साइड हमारा स्टैंड है वो उनका दूसरी साइड है, शाम के टाइम 6 बजे तक हमारे स्टैंड पर ऑटो लगाना शुरू कर दिया, मेरे खड़े खड़े मेरे आगे ऑटो लगा ली, फिर ऑटो को धक्के लगा लग गया, दूसरा एक पंजाबी है नाम ना जानती मैं उसका, उस वो धक्के लगा लग गया, वो धमका दिया, प्रधान आया उसने ये भी ना पूछा किस किसका कसूर है किसका नहीं है, मेरे हस्बैंड का ऐसे गला पकड़ कर ऐसे कर लग गया, फिर ऐसे सीट पर बैठा था मैंने, सीट पर बैठे बैठे कर मारे उसका, कुछ दिन के बाद बोलता ही नहीं, बोलती बंद हो रही है, हम तो झाड़ते हैं जब कोई गणी होती है और ये मारिए थप्पड़ थप्पड़ सागने अरे घर के मारिए तेरा भी मार दूंगी। हां कदे कन दा काम कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई बात नहीं कर रही है मैं से, तू अब तो मिस है। खाली ऑटो वाले तो आधे ठीक भी हैं आधे बुरे भी हैं, स्टेशन पे तो हमें सहन ही नहीं कर पा रहे हो, जलते रहते वो सोचते हमारा काम छीन लिया इनने, पहले हमारा ज़्यादा काम चलता था, इवन की वजह से हमारा काम कम हो रहा है, यह सोच है उनकी। आस पड़ोस वालों तो कुछ ना कर, रोड पर तो दुनिया कहती रहती है, जैसे स्टेशन पर भी कुछ बात हो जाए सीधे ही बात बोलते हैं, तुम्हारे मर्दों में हिम्मत नहीं थी कमा को खुवाने की, जब तक टमाटर चलाओ।
किसी का घर वाला कोई काम नहीं करता ना, ज्यादातर लेडीज तो तभी काम करती हैं, कोई करे ही नहीं गाता, कुछ तो करना ही है। उनके साथ हम भी उन्हें जैसे कैसे हो जाए, ये हमने तो अपने आप करना है। भैया सोचते थे पढ़ लिख के कुछ बढ़ेगी, वो ये कहते थे मेरी बहन चलेगी जब स्कूटी होगी, चश्मे होंगे, ऐसी ऐसी बात बोलते थे मेरे भैया। बचपन हमारा बहुत अच्छा था, घर में किसी चीज की परेशानी नहीं देखी हमने। मैं शादी भी होगी, शादी के बाद मैंने रोटी बोना सीखा, घर पर कुछ काम नहीं था, कुछ भी बस पढ़ना पढ़ाई का काम था, यार तो खा जाते चले जाते, काम एक आधी बार बोल भी देते, जैसे मैं बोल दूँ इनको काम कर ले, नहीं मैं नहीं मैं नहीं, ऐसे करते ना बच्चे, मैं भी ऐसे ही करा करती ये काम कर लग गई हूँ। तो ये तो सामान खरीद देंगे उड़ा गाड़ी हर टाइम नहीं कट जाएगा अपना, ना टाक आप पे समझ जाएंगे ना, जाऊंगे जब जात बाल जाऊंगे जब कह देंगे तो मैं कह दी थी 150 रुपया का था मारा, एक का चक्कर ना लग जाला गाड़िया का टाइम है आड़ा का दी थी मैं, तो कह दी गाड़ी हां तो बाद दबा 150 रुपया के होगा, एक मेडिकल तो ही का चक्कर लग जाएगा 150 का। इसके साथ शादी करके खुश नहीं थे हमारे घर वाले, फिर मेरे पिताजी ने कह दिया था तुम्हारा लड़का तो अनपढ़ है, मेरी लड़की भी ये पढ़ रही है, ऐसे कैसे कर देंगे रिश्ता। उस टाइम पे नू थोड़ा बोला करते है मकाम ना करो, उस टाइम पर तेनू कहा करते हाथ काम करते है, नू दिखाया करते ये हाथ कमा कर खवाणती है, ये बात बोला करते हुए। और उन्होंने ये बात भी उसी दिन तय कर दी थी कि हमारे घर नहीं तुम आओगे ना हम तुम्हारे घर आएंगे, इसके साथ शादी करोगे तो ना हम जाते ना वो आते। फिर हम दोनों बहने बैग सिलती थी 100 रुपये दर्जन के हिसाब से, शुरू में 65 रुपये दर्जन था, फिर धीरे धीरे 100 रुपये दर्जन हो गया, हम 2-3 दर्जन बैग सिल दिया करते बस, फिर टाइम पर पैसे नहीं देते थे बैग वाले। फिर मेरी बहन वहाँ प्राइवेट स्कूल में जाने लगी, बैग सिलने छोड़ दिए, पहले कुछ काम नहीं करने देते थे अपने आप करते थे, फिर धीरे धीरे गलत संगत में चले गए। यहाँ पे एक आदमी था बुजुर्ग मास्टर था, वो ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं लोग, बोले शादी होगी तेरी 2-4 साल ठीक रहना, उसके बाद खूब पीना, बाल बच्चे हो जाएंगे फिर कहाँ जाएगी। छोटा लड़का होने के बाद तो काम किया ही नहीं, चालक का काम दे, लेडीज काइनेटिक चला रही, कार चला रही, ये ऑटो का इतना नया काम लग गया जो लेडीज चला रही है ना, हवाई जहाज चला रही लेडीज, ऑटो चलाने का नया काम लग गया जिसने मुंह पाड़ पाड़ के देखा है दुनिया,
अगली ऑटो में जाओगे पाछे नजर रहेगी, देखे जाएंगे हमारे पाछे लेडीज चलाती आ रही है। यो उन्हें नया काम लग गया ना, लेडीज तो घने दिन तक ड्राइवर बन रही हैं, दिल्ली में कह रहे बस चला रही हैं, रोहतक में ऑटो चल रहा है बस, काइनेटिक चला लग रही, कार चला लग रही। उन्हें क्यों ना देखते, वो अमीर घर की लागे हैं, उन्हें न्यू ना देखते। ये जो ऑटो चलाने वाली है गरीब घर की लागे हैं, इन्हें न्यू देखा है न, कार चला लाग रही इन्हें ना देखते, रुक रुक कर अगली लेडीज कार चला रही है, उसमें कुछ आंदी नहीं हुआ है, पेट्रोल गल है महंगे भागा, डीजल गल है, इसमें भी वो एडल है, हाँ इसमें हमने पीछे मिलना है, वो ऑटो राय वाली बात है, उसमें इज्जत ही बना है। हाँ भाई रुपया आ तुम्हें कार चलाओ या मेहनत मजदूरी है बस। सब मोहल्ले में मेरे हस्बैंड के मुंह पर भी बोल देते हैं कि तू इसने जवा दिया ना तो मर जाता, उसके मुंह पर भी कहते हैं, जो उसके दोस्त मिलेंगे वो भी। एक दिन वो एक एजेंट्स है अपनी लेडीज ने लेकर हर सप्ताह इसमें हर वीरवार को मेडिकल में आता है चेकअप करवाने, वो कई बार बोलता है आप जैसी लेडीज है ना मेरे साथ कमांडो में थी, अपनी प्रशंसा सुनता कौन खुश नहीं होता, सब चाहते हैं। इतना हमने पता हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं बहादुरी का। हाँ जो आरएसओ की टीम है ये न सारा दुमा गया, आरएसओ की टीम है वो पता क्या कहते हैं हमारे को सब लेडीज को, ये झांसी की रानी है, इतना हिम्मत वाला काम किया, ये झांसी की रानी है ये बोला करो। अब दे दे चीज दवाई रिश्ती एक रुपये की दवाई 10 रुपये पूरे हो गए। और कुछ नहीं बस ये देख रहा सोच रहा कि हमने तो खुद काम करना है, अपने बच्चे पढ़ाने हैं, आम तो रह गए कदे हमारी औलाद भी सी रह जाए, इसके पापा करो या ना करो, हमने तो खुद करना है, किसी की हम बाट नहीं देते। अरे मेरा 40 मेरे 40।